जय श्री कृष्ण। मैं उर्मी बागड़िया परफेक्ट कुकिंग स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे चटपटी पानी पतासी। पानी पतासी सबके घर में अच्छी नहीं बनती है, किसी का पानी अच्छा नहीं बनता है तो किसी की पतासी अच्छी नहीं बनती है। तो आज हम आपके साथ एक सरल रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप बनाएंगे पानी पतासी। पानी पूरी की पूरी बनाने के लिए चाहिए हमको एक कप रवा, आधा कप आटा, आधा कप कुनकुना पानी, एक चुटकी मीठा सोडा। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए चाहिए हमको 100 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम पुदीना, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून काला नमक, 1.5 टीस्पून जलजीरा, 2 टेबलस्पून गुड़, 2 टेबलस्पून इमली पल्प, 1/4 टीस्पून हींग, 3 लौंग, 8-10 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा। पानी पतासे की स्टफिंग हम अलग अलग लेते हैं, पर आज हमने काला चना और आलू की स्टफिंग ली है। इसके लिए चाहिए हमको आधा कप उबले हुए काले चने, 2 बड़ी साइज के उबले हुए आलू, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम पतासे का आटा लगाएंगे। पतासे का आटा लगाने के लिए लेंगे हम 1 कप रवा, आप सूजी भी ले सकते हो, कच्चा लेना है सूजी या रवा, नहीं तो आपके पतासे फूलेंगे नहीं। आधा कप लेंगे हम आटा, 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा ज़्यादा डालेंगे तो तेल ज़्यादा पिएंगे पतासे, तो आप मीठा सोडा 1/8 टीस्पून से भी कम है तो आप एक चुटकी ही डालें। नमक हम नहीं डालेंगे, नमक डालने से पूरी कड़क बनती है। अब हम लेंगे कुनकुना पानी और हमारा आटा लगा लेंगे। आटा हल्का गीला लगाया है हमने, सूजी पानी पी लेती है इसलिए। अब हम इसको गीले कपड़े से ढक देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम पतासे बेलेंगे। पतासे का आटा हमने आधा घंटा रखा था, अब हम आटे को थोड़ा कूट लेंगे। आप प्लेटफॉर्म पे पत्थर से भी कूट सकते हो, कूटने से पतासे थोड़े अच्छे फूलेंगे और आटा भी अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको 2-3 मिनट आप अच्छे से कूट लीजिए। आटा हमने अच्छे से कूट लिया है, सॉफ्ट हो गया, हमारे पतासे अच्छे फूलेंगे। हम इसको कटर से भी काट सकते हैं और छोटी छोटी लोई बना के भी, यदि हमारे पास कटर नहीं हो तो बेल के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम तेल लगा लेते हैं, आप गोल ओवल जैसी पसंद हो वैसी हम पतासी बना सकते हैं, न ज़्यादा पतली न ज़्यादा मोटी। एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। अब हम कटर से काट लेंगे। हमने बेल लिया है। आज हमने पतासे काटने के लिए कुकी कटर लिया है।
आप छोटी कटोरी, छोटा ग्लास या कोई भी डिब्बी का ढक्कन भी ले सकते हैं। ऐसे हम सारे पतासे बेल लेंगे और गीले कपड़े से ढक के आधा घंटा रखेंगे। अब हम पानी पतासे का पानी बनाएंगे। तो पानी पतासे का पानी बनाने के लिए हम मिक्सर में 100 ग्राम हरा धनिया, 50 ग्राम पुदीना, यदि आपको फ्रेश पुदीना नहीं मिले तो आप ड्राई पुदीना भी डाल सकते हो, और पुदीना नहीं मिल पाए तो आप धनिया का पानी भी बना सकते हो, पर पतासे का पानी ज़रूर बनाए। 3 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून, यदि आपकी स्ट्रॉन्ग हो तो और कम कर दीजिए, जलजीरा 1.5 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, 3 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 2 टेबलस्पून गुड़। यदि आप मीठा पानी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ खट्टा पसंद करते हैं, तो गुड़ ना डालें। आज हम खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं। सिर्फ पुदीना डालेंगे तो पुदीने का पानी बनेगा, जीरा बढ़ाएंगे तो जीरे का पानी बढ़ेगा, और आप हींग बढ़ाएंगे तो हींग का पानी बनेगा। पर खट्टा मीठा पानी हमेशा अच्छा लगता है। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, इमली को हमने उबाल के पीस लिया है। अब कच्ची केरी आएगी, तब आप कच्ची केरी का भी पानी बना सकते हैं। यदि आपके पास घर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप आमचूर पाउडर या नींबू या साइट्रिक एसिड यानी टाटरी का भी पानी बना सकते हैं। खटाई के लिए आप कोई भी एक खटाई को ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे। हमने पीस लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। एक बार और हम मिक्सर में पीस के छान लेंगे, जिससे अच्छे से धनिया और पुदीने का अर्क आ जाए। पानी डाल रहे हैं और हम पीस लेंगे। ये दूसरी बार हमने पीस लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। पानी हमारा बन गया है। हमने इसमें 1.25 लीटर पानी डाला है। इस मेजरमेंट से आपका 1.25 लीटर पानी बनता है। पतासे तलने के लिए तेल हमने गरम रखा है। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम पतासे में भरने का मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए चने हमने उबाले हैं। आप सफ़ेद छोले भी ले सकते हैं काले चने की जगह। चने हमने नमक के साथ उबाले हैं। आलू हमने मैस कर लिए। चने हमने नमक के साथ उबाले हैं, इसलिए आलू के हिस्से का ही नमक डालेंगे हम। लाल मिर्च पाउडर आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उतना डाल लीजिए। चाट मसाला, हरा धनिया,
प्याज आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिला लीजिए। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पतासे तल लेते हैं। पतासे हमने आधा घंटा गीले कपड़े से ढक के रखे थे। इससे हमारे पतासे ऊपर और नीचे से तलने के बाद एक सरीखे बनेंगे, नहीं तो ऊपर से पतले बनते हैं और नीचे से मोटे बनते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम पतासे तल लेंगे। ऐसे हम सारे पतासे को तल लेंगे। मीडियम आंच पे हम तल रहे हैं। अच्छी मीडियम आंच पे पूरी तली है आपकी। अच्छी फूल रही है हमारी पूड़ियाँ। पतासे हम कच्ची घानी के तेल में तल रहे हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तेल नितार के निकालिए आप। हमने सारे पतासे तल लिए हैं। हमारी रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो आपके मैक्सिमम पतासे फूलेंगे। इस मेजरमेंट से हमारे 40 से 50 पतासे बने हैं। पानी पतासे हमारे बन गए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है। इस रेसिपी से आप जरूर बनाइए और आपके एक्सपीरियंस हमारे कमेंट में शेयर करिए। आपको हमारे गोलगप्पे की रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारी अगली रेसिपी तुरंत मिल जाए।